यूनिवर्सिटी के प्रशासन का ये रवैया शेम शेम क्यों स्टूडेंट के प्रति प्रकार का रवैया है, झूठ बोलने का काम करते हैं वे छात्र बिल्कुल सामने एक तरह झूठ बोलने का काम करते हैं। सामने एक हफ्ता पहले हमको कहा था कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, परंतु अभी तक इन लोगों ने कुछ नहीं किया। कल लास्ट डेट है, हिसाब किताब तय करना होगा, उनको बिल्कुल मानना होगा कि विद्यार्थी तब तक बात नहीं करेगा जब तक भाई चंद्र साहब आपके यहाँ आज विद्यार्थी का प्रदर्शन जिस प्रकार से जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा पिछले एक वर्ष से स्टूडेंट्स का सक्रिय है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी हो थर्ड सेमेस्टर का विद्यार्थी हो, जिस प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर के सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं हो रहे हैं, आज जहां जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है, जहां आज जो स्टूडेंट्स उनके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी प्रशासन का रवैया पिछले एक महीने से लगातार उनको वर्ग लाने का काम कर रहा है, पिछले एक महीने से विद्यार्थी जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी एथलेटिक कॉलेजेस हैं, चाहे वो विद्यार्थी सांबा का हो, कठुआ का हो, पुंछ का हो, रजौरी का हो, डोडा का हो, भद्रवाह का, किश्तवाड़ का, इधर जम्मू उधमपुर का विद्यार्थी हो, वो इस यूनिवर्सिटी के बाहर लगातार प्रदर्शन करने का काम कर रहा है, जहां समय पर उसके एग्जाम नहीं हो रहे, जहां आज विद्यार्थी ये मांग कर रहा है और विद्यार्थी परिषद का ये मानना कि स्टूडेंट्स को इस कोरोना काल के दौरान उसको एवलूड किया जाए उसके प्रीवियस विषय के आधार पर, परंतु यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जिस प्रकार से एक डिक्टेटरशिप का रवैया अपना रखा है, विद्यार्थी परिषद उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और विद्यार्थियों के साथ में ये भी मांग करती है इन सभी स्टूडेंट्स की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। आज विद्यार्थी परिषद का यह आंदोलन पिछले लगातार एक लंबे समय से चलता आ रहा है, परंतु आज हम लोग निर्णायक लड़ाई पर आ चुके हैं और आज स्टूडेंट विद्यार्थी परिषद आज तब तक भी उठे कि जब तक भाई चंद्र साहब लोग यहाँ नहीं आते हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की जितनी समस्या है उनका समाधान नहीं होता।